फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, जहान की बर्थडे सेलिब्रेशन दिलान के लिए देखें कितनी ज़्यादा ट्रबल मेकर साबित होने वाली है और क्या बनता है इन दोनों के दरमियान। तो देखिए फ्रेंड, स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। रान और दिलान अब क्या करती हैं और क्या बिगेस्ट चेंजेस आते हैं और दिलान को क्या कुछ फेस करना पड़ेगा अपने ये डिसीजन को लेकर, क्योंकि फ्रेंड आज़ादी है वो कभी भी ये नहीं होने देगी, लेकिन दिलान सबके अगेंस्ट जा कर कर रही है और बिगेस्ट सेक्रीफाइस कर रही है। तो होप करते हैं कि फ्रेंड बरान जो है दिलान के सेक्रीफाइस को समझेगा और वो भी जहान के लिए सेक्रीफाइस करेगा, क्योंकि फ्रेंड बरान भी जहान को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और होप करते हैं कि फ्रेंड बरान दिलान दोनों इकट्ठे रहेंगे और मिल के जहान की बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि फ्रेंड जो जहान है वो डिज़र्व करता है हैप्पी रहना। तो देखिए फ्रेंड्स क्या बनता है, दिलान और बरान कैसे हैप्पीनेस लाते हैं जहान की लाइफ में दोबारा से, और उसको चाइल्डहुड ट्रॉमा जिससे वो सफ़र कर रहा है हर ईयर उससे इसको निकालते हैं। तो होपफुली फ्रेंड दिलान जो है सबको इनवाइट करेगी और वो आज़ादी की कोई बात नहीं मानने वाली, और आज़ादी भी दिलान को इस दफ़ा स्टॉप नहीं कर सकती। तो देखिए फ्रेंड स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। बरान दिलान और जिहान तीनों बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे फॉर द फर्स्ट टाइम, और बरान भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज होगा। होप करते हैं कि अब कोई भी न्यू ट्रबल नहीं आएगी इन दोनों के दरमियान, और जो बरान है वो दिलान को प्रोटेक्ट करेगा और हमेशा की तरह जैसे उसको करता है, और दिलान को कुछ नहीं करने देगा आज़ादे को। और अब देखिए फ्रेंड जो आज़ादे हैं वो क्या करती है, क्योंकि फ्रेंड आज़ादे जो है अब दिलान से बहुत ज़्यादा हेट करेगी, क्योंकि उसने जो सेलिब्रेशन की है उसकी वजह से वो उसको नहीं छोड़ेगी। तो देखिए फ्रेंड क्या बनता है बरान दिलान और आज़ादी का, और बरान कैसे आज़ादी को स्टॉप करेगा और दिलान को प्रोटेक्ट करेगा, उसको सपोर्ट करेगा। होप करते हैं कि फ्रेंड अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और ये दोनों एक नॉर्मल लोगों की तरह लाइफ स्पेंड करेंगे। ऑलरेडी के लोग बहुत ज़्यादा पास्ट की वजह से सफ़र हो रहे हैं और अब इन लोगों का मूव ऑन होने का टाइम आ चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह।